महाराष्ट्र की सियासत एक और करवट बदल रही है। अब राज ठाकरे पूरी तैयारी के साथ शिवसेना की विरासत हथियाने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में उद्धव की बेचैनी होना लाजमी है। वो ये दिखाने के लिए तड़प रहे हैं कि शिवसेना सावरकर और भगवा रंग के असली वारिस हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे की विरासत और हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब नींद से जागे हैं। उद्धव को ये डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाना उनकी पार्टी को ही न ले डूबे। बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर उद्धव ने मुंबई में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदू भाई बहनों के साथ की और कहा उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने अपना भगवा झंडा नहीं बदला, मेरा रंग अंदर और बाहर दोनों समान है। उद्धव के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि राज्य की राजनीति में पिछले एक दशक से अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे राज ठाकरे ने अब हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। 2006 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बनाने वाले राज ठाकरे अब मराठी मानुष के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर चलने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे को भगवा रंग दिया तो शिवाजी की मोहर को भी अपनाया। मंच पर सावरकर की फोटो सजाकर हिंदुत्व की दिशा में कदम बढ़ाने के मंसूबे को जाहिर कर दिया। ख्याल रहे कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने से पहले शिवसेना हिंदुत्व के इन्हीं तीनों प्रतीकों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति करती रही। शिवसेना का झंडा भगवा है और उस पर शेर का निशान है। शिवसेना ने शुरू से ही शिवाजी को अपने राजनीतिक आदर्श माना है, साथ में वो सावरकर को कट्टर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती रही है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना सावरकर पर कांग्रेस के हमले को लेकर कई बार बैकफुट पर नजर आई है। साथ में कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे को कई बार अपना बयान बदलना पड़ा है और कई बार अपने फैसलों से पीछे भी हटना पड़ा है। इन मुद्दों पर भी भाजपा उद्धव पर कई बार निशाना साध चुकी है। इस बात की चर्चा पहले से ही आम थी कि भाजपा राज ठाकरे के संपर्क में है। राज ठाकरे को ये लगने लगा है कि अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का यही मौका है। हालांकि पहले वो पीएम मोदी और उनकी सरकार पर बहुत तीखे हमले बोल चुके हैं। राज ठाकरे को एक कंफ्यूज नेता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है और अब उद्धव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने जब भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थामा था तो उसी समय से शिवसेना की विचारधारा सवालों के घेरे में आ गई थी। उद्धव के उस कदम की वजह से कई पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बाहर जाने लगे थे और तब से अटकलें तेज हो गई थी कि एनडीए गठबंधन में अब राज ठाकरे की पार्टी शिवसेना की जगह ले लेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।